भारतीय झंडे की कहानी की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1906 से, जब पहली बार कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में एक झंडे के तले आजादी के अभियान ने रूप लेना शुरू किया। इंडियन नेशनलिस्ट का झंडा भी इसी सफर का गवाह बना। इसके बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने इस झंडे के तले आजादी का बिगुल फूंका। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के दौरान 3 रंगों वाले इस झंडे को अपनाया गया। आजादी तक इसके स्वरूप में कई परिवर्तन आए। कई बड़े नेताओं ने अपने मायनों के मुताबिक झंडे के स्वरूप किए और आखिर में 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने स्वरूप में आया और देश भर में इसे अपना लिया गया, जो आज भी शान से लहरा रहा है। देश की अखंडता और एकता के प्रतीक इस झंडे में केसरिया, सफेद, हरे रंग के साथ 24 तीलियों वाला अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र शामिल किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। वहीं हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर बने धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है।